तो भाई लोगों क्या हाल चाल है, चेक दिस आउट, ये अपने पास Realme का 13 Pro Plus 5G एंड ये वाला डिवाइस भाई AI के कारनामों के साथ आने वाला है। एंड भाई Realme की जो ये वाली सीरीज रहती है ना, ये कैमरास पर ज्यादा फोकस करती है, इसी के लिए हम आज की वीडियो में इसका कैमरा टेस्ट करने वाली है। इस वाले डिवाइस से भाई मैंने मल्टीपल फोटो शूट किए जिन्हें देखकर आपका भी दिमाग घूमने वाला है, बाकी टेस्टिंग करने वाले इसकी परफॉर्मेंस की भी। परफॉर्मेंस है मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भाई BGMI से। आज की वीडियो में भरपूर तरीके से हम BGMI खेलने वाली है, ओवरऑल इन गेम प्ले आपको कैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं, बाकी ओवरऑल डिजाइन, बैटरी बैकअप, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है सब कुछ बताने वाला हूं। तो बस आप एंड तक बने रहना, चलिए आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करती है। लेकिन उससे पहले पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी बॉक्स के बारे में अगर बात करता हूं तो ये टिपिकल Realme स्टाइल में आने वाला है। ऊपर की साइड पास आपको AI की ब्रांडिंग जो है वो एड ऑन हो चुकी है। जैसे हम बॉक्स को ओपन करने वाले हैं, सबसे पहले हमें मेन सेक्शन मिलने वाला है जिसके अंदर हमें काफी अच्छी क्वालिटी का केस प्रोवाइड करवाया गया है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन एंड ये कुछ स्टिकर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं इंक्लूडिंग सिम इजेक्टर टूल। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन डिवाइस एंड ये क्या ही प्यारा डिजाइन प्रोवाइड करवाया गया है। बाकी फर्दर बॉक्स में हमें एक 80 वोल्ट का अडैप्टर एंड साथ में टाइप सी केबल प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये ओवरऑल सारा बॉक्स कंटेंट है जो कि इस Realme 13 Pro Plus के साथ आने वाला है। अब अगर बात करते हैं मेन डिवाइस के बारे में तो भाई जो ओवरऑल डिजाइन है ना वो कहीं ना कहीं आपको Realme के 12 Pro Plus जैसा देखने के लिए मिलेगा। बाकी 12 Pro Plus में आपको वीगल लेदर प्रोवाइड करवाया गया था, इसमें आपको ग्लास बैक डिजाइन देखने के लिए मिलता है और ये कहीं ना कहीं मेरे को मार्बल वाली फिनिश प्रोवाइड करवा रहा है। बाकी मेरे पास जो ये कलर है ये है मोनेट गोल्ड एंड एक और कलर आने वाला है जो कि है मोनेट पर्पल। अब अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बाकी ये वाला मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगा है। बाकी बैक साइड पर आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे Realme के 12 Pro Plus 5G में हमें जो कैमरे के अराउंड एक रिंग देखने के लिए मिलती थी, सेम यहां पर Realme के 13 Pro Plus 5G में प्रोवाइड करवाई गई है। ओवरऑल डिवाइस की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर्स प्रोवाइड करवाई गई है। बॉटम साइड पर आपको स्पीकर, ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन एंड एक सिम ट्रे देखने के लिए मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड हमारी बिल्कुल प्लेन प्रोवाइड करवाई गई है। ऊपर की साइड आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ एक स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलती है। एंड ओवरऑल डिवाइस के ऑडियो आउटपुट की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसा निकल कर आता है। मैं अगर बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में तो 6.7 इंच की आपको एक AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड करवाई गई है जो कि 1 बिलियन कलर के साथ आती है। एंड ये एक 120 हर्ट्ज वाला पैनल है जो कि काफी स्मूथली वर्क करता है। बाकी साइड से आपको डिस्प्ले कर्व देखने के लिए मिलती है तो टेम्पर्ड ग्लास का तो आपको झंझट पड़ने ही वाला है। बाकी फोन की ओवरऑल इन एंड फील की बात करते हैं तो भाई आगे से तो डिस्प्ले कर्व है, लेकिन साथ ही साथ आपको जो बैक पैनल है वो भी कर्व देखने के लिए मिलता है, जिसकी ओवरऑल जो फोन की ग्रिप है ना वो काफी अच्छी निकल कर आती है। बाकी बैक साइड का जो मटेरियल है मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लास आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी जो फ्रेम है वो पूरा पॉलीकार्बोनेट का है। बाकी अब अगर बात करते हैं इस डिवाइस के मोस्ट हाइलाइटेड पार्ट के बारे में जो कि इसके कैमरास, तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरास मिलने वाले हैं जिसमें कि 50 मेगापिक्सल इसका मेन कैमरा है एंड 50 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो पेरिस्कोप कैमरा देखने के लिए मिलता है एंड 8 मेगापिक्सल के एक अल्ट्रा वाइड कैमरा प्रोवाइड करवाया गया है। एंड सबसे मैंने काफी सारे सैंपल शूट किया है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो अपने डिस्प्ले पर, भाई ये काफी अच्छी फोटोज निकाल कर देता है। इवन जो उसका बोके इफेक्ट है वो भी काफी प्यारा निकल कर आता है। इवन इसमें आपको 120x जूम देखने के लिए मिलता है, तो अगर आपको दूर कोई आपका चांद रहता है तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो इस डिवाइस के थ्रू। फ्रंट सेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड करवाया गया है जो कि अच्छी खासी फोटोज आपकी निकाल कर दे देता है। ये कुछ कैमरा सैंपल है जो कि मैंने इसकी फ्रंट सेट की सेल्फी से शूट किया, कुछ इंडोर में कुछ आउटडोर में आप अपने हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर बात करते हैं इस डिवाइस की वीडियोग्राफी के बारे में तो थोड़ी सी निराशा मेरे को देखने के लिए मिली है भाई। बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरास प्रोवाइड करवाई गई है जिसमें इतने अच्छे सोनी के सेंसर्स लगाई गई है एंड यहाँ पर बस आपको 4K 30fps का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। एक अच्छी बात यह भी है कि भाई फ्रंट साइड पर भी आपको 4K 30fps प्रोवाइड करवाया गया है, ये नहीं है कि 1080p 60fps मिलने वाला है, दोनों साइड आपको 4K 30fps देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल जो ये वीडियो है ये शूट हो रही है Realme के 13 Pro Plus 5G के फ्रंट कैमरे से, रेजोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये है 4K 30fps पर। जो उसका माइक्रोफोन है वो उसका इनबिल्ट है, ये जो माइक्रोफोन मैंने कॉलर पे लगाया हुआ है ये मेरे कैमरा से कनेक्टेड है, तो उसकी टेंशन मत लेना। अब इसके ओवरऑल ऑडियो क्वालिटी कैसे लेंगे, कैमरा क्वालिटी कैसे लेंगे मुझे जरूर से बताना। बाकी मेरे हम स्विच कर चुके हैं इसके बैक साइड के कैमरास पर, अगेन रेजोल्यूशन जो है वो सेम रहने वाला है जो कि है 4K 30fps। माइक्रोफोन इसका इनबिल्ट है। लाइटिंग कंडीशन भाई अच्छी खासी लगा रखी है हमने यहाँ पर, इधर भी गोडेक्स सॉफ्ट बॉक्स है, इधर भी एक यहाँ पर पिन की सॉफ्ट बॉक्स अम्ब्रेला लगी हुई है, तो लाइटिंग कंडीशन अच्छी खासी प्रोवाइड करवाई गई है, उसके हिसाब से जज कर सकते हो। बाकी कुछ सैंपल्स रहेंगे इसके वीडियो के जो कि मैं आउटडोर में जाकर शूट करूंगा एंड उसमें नेचुरल लाइट होने वाली है, तो आप उन्हें भी देखकर ओवरऑल इसकी जो कैमरे क्वालिटी है उसका अंदाजा ले सकते हो। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको अलग अलग जूम इफेक्ट्स मिल जाती है, 0.6x, 1x, 2x, 3x, 6x एंड इवन आप 120x तक जूम कर सकते हो। एंड 120x पर भी आपको
अच्छी खासी फोटोज निकाल कर ये दे देता है। बाकी बात करते कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में, तो प्रो मोड, पैनोरामा मोड, हाईलेस मोड सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया गया। इनफैक्ट ड्यूल वीडियो मोड भी आपको इसमें प्रोवाइड करवाया गया, जिसमें कि आप फ्रंट साइड के एंड बैक साइड की वीडियो एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि कुछ ऐसे निकल कर आने वाली है। फिलहाल मैं इसके फ्रंट साइड से अपने आप को शूट कर रहा हूँ, एंड बैक साइड वाला ये रहे आप लोग जिन्हें मैं शूट कर रहा हूँ एक साथ। आज वो दोनों काम हो जाएंगे, यानी ये ब्लॉगिंग वालों के लिए या फिर जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं उनके लिए काफी ज्यादा मदद करने वाला है। और उसकी कैमरा क्वालिटी आपको कैसे लगी वो मुझे आप बता सकते हो। एंड यहाँ पर भाई आपको एक स्ट्रीट कर मोड प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें अलग अलग एमएम्स मेंशन किए गए हैं, जैसे 16 mm, 24 mm, 49 mm, 73 mm एंड 144 mm। इन एमएम्स में भी आप अलग अलग फोटो शूट कर सकते हो। जैसे कैमराज में होता है ना कि अलग अलग लेंसेज होते हैं, यहाँ पर 50 mm का अलग लेंस है, मेरे पास जो यूज कर रहा हूँ मैं किट लेंस है भाई 16-50 mm का। तो ऐसा ही कुछ फीचर आपको इसमें भी प्रोवाइड करवाया गया है। बाकी स्ट्रीट वाले मोड की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये था ओवरऑल इसके कैमरा के बारे में, जिसमें लगभग सभी डिटेल्स मैं कवर अप कर चुका हूँ। कुछ मिस आउट हो गई होगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी भाई अब अगर हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस वाले सेक्शन के बारे में, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था परफॉर्मेंस का मतलब है मेरे लिए BGMI। अब यहाँ से हम आपको लेकर चलता हूँ सीधा सेटिंग्स में, ग्राफिक्स एंड ऑडियो। स्मूथ पर आपको एक्सट्रीम प्रोवाइड करवाई गई है, बैलेंस पर आपको एक्सट्रीम, HD पर आपको एक्सट्रीम, HDR पर भी आपको एक्सट्रीम ग्राफिक्स, एंड अल्ट्रा HD मेरे पास डाउनलोडेड नहीं है, लेकिन यहाँ भी आपको अल्ट्रा तक के ग्राफिक्स मिलने वाली है। यानी भाई आपको नॉर्मल 60 FPS प्रोवाइड करवा देगा हाईर सेटिंग्स पर भी, लेकिन 90 FPS का आपको स्मूथ पर भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये वाली सेटिंग्स हम यहाँ पर रखने वाली है। और इससे कुछ गेम प्लेस मैं निकाल कर देखता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ स्टेडियम वगैरह खेलने वाला हूँ, साथ में एक आधा ईरेंगल या फिर लिविक वगैरह हम खेल कर देखेंगे कि ओवरऑल जो आपको इन गेम कैसी परफॉर्मेंस आपको ये प्रोवाइड करवाने वाला है। बाकी एक बात मैं आपको बताने भूल गया, जो इसकी हम परफॉर्मेंस टेस्ट कर रही है वो हम टेस्ट कर रही है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 की। जी हाँ, आपको उसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोवाइड करवाया गया है। चेकआउट करते हैं ओवरऑल कैसी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करवा देता है। तो ये तो बात हो गई भाई गेमिंग के बारे में। आप डे टू डे लाइफ की बात करते हैं तो नो डाउट काफी स्मूथली आपका जो दिनचर्या है उसे काफी अच्छे से निकाल देगा। अगर आप एक नॉर्मल से यूजर हो भाई, आपको थोड़ा बहुत गेम खेलना है, बाकी आपको मल्टीमीडिया मूवीज वगैरह देखना का काफी ज्यादा शौक है, उसमें आपकी डिस्प्ले एंड इसके जो स्पीकर है वो आपका काफी अच्छा साथ देने वाली है। साथ नॉर्मल एप्लीकेशन अगर आप चलाते हो तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, डे टू डे लाइफ में आपका काफी अच्छा साथ निभाएगा। बाकी एट द एंड अगर हम बात कर लेते हैं इसके कुछ अंदरूनी यंत्र के बारे में, तो ये हमारे पास है रियलमी का 13 Pro Plus 5G, जो कि वर्क करता है रियलमी UI 5.0 पर। साथ ही साथ आपको एंड्रॉइड 14 का यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया है। बाकी मेरे पास जो ये वेरिएंट है वो है 8GB 256GB में, एंड 8GB तक हम रैम को एक्सपेंड भी कर सकती है, यानी टोटल हमारे पास हो जाएगा 16GB रैम एंड 256GB स्टोरेज, जो कि आई गेस काफी एक नॉर्मल यूजर के लिए या फिर गेमिंग वगैरह भी आप करते हो तो उसमें भी कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी अगर बैटरी की बात करते हैं ना भाई, तो इसके अंदर आपको 4200mAh की बैटरी प्रोवाइड करवाई गई है। बात करते हैं अगर चार्जिंग के बारे में, तो 80W का चार्जर हमें प्रोवाइड करवाया गया, तो फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है। 5200mAh की बैटरी है, आराम से आपका 1 से 1.5 दिन निकालने वाली है। अगर आप हाई लेवल पर गेमिंग करने वाले हो ना, तब भी मेरे अंदाजे से भाई आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप काफी आराम से मिलने वाला है। अगर नॉर्मल यूजर हो तो 1.5 दिन हो 2 दिन भी हो सकता है। बाकी यही सब था इस रियलमी के 13 Pro Plus 5G के बारे में, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ओवरऑल जो आपको ये डिवाइस है ये कैसा लगा। एंड अगर आपको रिव्यू थोड़ा सा भी अच्छा लगा ना, तो भाई लाइक जरूर से कर देना, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको लेटेस्ट डिवाइस सबसे पहले बाय करना है ना, तो आप चेकआउट कर सकते हो इंप्रेशन गैली, इनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये शॉप लोकेटेड है हमारे सहारनपुर में कचहरी के पुल के पास, एंड भाई यहाँ पर आपको लेटेस्ट डिवाइस सबसे पहले मिल जाती है। यहाँ तक कि जितने भी लेटेस्ट डिवाइस है ना मैं बाय करता हूँ, वो सब यहीं से खरीद कर लाता हूँ। अभी चेकआउट कर सकते हो, कॉन्टेक्ट डिटेल्स अगेन मैं बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, मेरा यूजर नेम है TagBoomer01, आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ भी भाई 1000 followers तो आप करवा सकते हो। करंट में 700 कुछ है, एक पेज था जो कि हमारा डिलीट हो चुका था, जो कि 6000 followers थे हमारे। उसके बाद हम दोबारा से गेमिंग पर चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगर आप फॉलो करोगे तो हमें एक बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।